ଗୋଷ୍ଠୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପରଞ୍ଜୟ ଗୁହା କାର୍କୁତା। ଆଉ ସେ ଇପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଥିଲା। ସମୁଦୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଇପିଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ବି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ରେ ଆମେ ନିୟମିତ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ସେଇଟା ପରଞ୍ଜୟ ଦାଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାଣୀ, ଆଦାନୀ ଉପରେ ପରଞ୍ଜୟ ଦା ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍, ଆଉ ଇପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ଼ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ପରଞ୍ଜୟ ଦା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଉ ପରଞ୍ଜୟ ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧୀର ଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। କାଫି ଖୁସ ଲାଗା କଲ ସୁନକେ ଆପକା ବାତ, ଯେଉଁ କ୍ରୋନିକ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ପର ଆପ ବୋଲ ରହେ ଥେ, ଲେକିନ ଅଦାନୀ କାଣ୍ଡ କା ଖୁଲାସା ବି କର ରହେ ଥେ ଆପକା ବାତ ମେ। ବିଚ ବିଚ ମେ ହମାରା ବିଚ ମେ ମେରା ଯେଉଁ ସାଥୀ ବିଭୂତି ପତି ହେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେ, ହମ ଲୋକ ବାତ କର ରହେ ଥେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଜର୍ନାଲିଜମ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ये जो प्रकार का काम आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसी टाइप का काम अभी मीडिया में नहीं दिखने के लिए मिलता है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? एक जमाने में तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नाम दिया गया इसी टाइप का रिपोर्टिंग को। अभी हम देख रहे हैं कि नहीं, कोई भी हिम्मत नहीं जुटा रहा है। आपके नाम पर भी काफ़ी केसेस है, डिफेमेशन केसेस है, और बहुत बड़े बड़े रिचेस्ट लोग भी आपके खिलाफ केस कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का काफ़ी मित्र लोग हैं और उनसे पॉलिटिकल पैटर्नेज भी मिल रहा है। आप उसमें क्या बोलेंगे? आपने एक सवाल में चार पांच सवाल आपने किया, और इसको समझने में आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए, 70 का दशक में जब इंदिरा गांधी ने एक आपातकालीन इमरजेंसी घोषणा किया था, वो लगभग 21 महीना रहा। उस समय बहुत सारा है, सिर्फ राजनीतिक जो विरोधी दल थे उसके जो कार्यकर्ता, साथ साथ बहुत सारे पत्रकार को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। मगर इमरजेंसी जो आपातकालीन स्थिति है, 21 महीना लगभग चला। 19 महीना के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बात करना शुरू कर दिया, जेल के बाहर चले आ गए थे लोग, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुई थी। मार्च 77 में चुनाव हार गया, फिर वापस आया जनवरी 1980 में। मगर हमारे देश में लोकतंत्र बच गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो बच गया। हम पिछले 9 साल से देख रहे आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो पत्रकार है, जो विरोधी दल है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, वो देशद्रोही बन जाते हैं, राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। उसके खिलाफ में एक बार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी को मानहानि का केस, किसी को हमला, किसी को धमकी हो रहे। तो इस स्थिति में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश का जो लोक माध्यम है, जो मुख्य धारा में मास मीडिया जो है, मुख्य धारा में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपना काम भूल गया। लोकतंत्र में आपका काम क्या है? सवाल उठाना, सख्त सवाल उठाना। जो भी सत्ते में है उनसे सवाल उठाइए। मैं आप पूरा आपका आप एक दो तीन चार सवाल हमने संक्षिप्त में आपको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम ऊपर से ये शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री है जो आज भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं गया, जो कोई भी पत्रकार उनसे कुछ भी सवाल उठा सकते हैं, भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री। क्या मीडिया लोग ने डिमांड किया है? हम लोग एक बार नहीं, हज़ार बार डिमांड किया, वो नहीं करेंगे।
एक समय 2019 में लोकसभा चुनाव करने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, सारे सवाल का जवाब अमित शाह ने दिया, उन्होंने नहीं दिया, उनका बगल में बैठे थे। तो जब एकदम ऊपर में, सबसे ऊपर शीर्ष में जो राजनेता है वो सवाल उठा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा माहौल बदल जाता है। नहीं है या डर है उनके अंदर, वो अलग बात है। वो चुन के लोगों को देते हैं, और जो लोग को देते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, रजत शर्मा जी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम काश्यप, नाविका कुमार, राहुल शिवशंकर, अर्णब गोस्वामी, चूंकि कभी कभी उन्होंने ऐसे लोग को भी साक्षात्कार दिया जो पत्रकार ही नहीं है, जैसे अभिनेता है, कनाडा का नागरिक अक्षय कुमार, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कैसे सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हैं, आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो पूरा जब माहौल ऐसा बन जाता है, पत्रकार अपना काम भूल जाते हैं। इधर थोड़ा सा रुकूंगा आपको, आप क्या सोचते हैं कि जो पत्रकार है वो इंडिपेंडेंट है? देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कभी नहीं था एस्टेब्लिशमेंट, कभी नहीं था, आज भी नहीं है। उस समय आपका मालिक बड़े बड़े पूंजीपति थे, आज का मालिक आपका YouTube हो गया। आपको मालूम नहीं है YouTube कितना पैसा बना रहा है और आपको कितना मिल रहा है। आप देखिए NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविजन, मुकेश अंबानी जी पैसा डाला था उनको, और एक तरह से बिना व्याज का पैसा डाला था। आज 12 साल पहले, 13 साल पहले अचानक क्या हुआ कि मुकेश अंबानी जी और उनका जो सहयोगी है महेंद्र नाहटा जी, कंपनी अडानी जी को बेच दिया? क्या कारण है? एक साजिश भी हो सकता है। कारण आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। रवीश कुमार आज बोल रहे हैं ये गोदी सेठ है, लोग कह रहे हैं आप इतना अहंकारी हो गए, मगर सच है। प्रणय रॉय, उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला, फिर भी रवीश कुमार को अपना कार्यक्रम करने का जो जो स्वतंत्रता उसको दिया, तो उसका कीमत आज उनको देना पड़ रहा है। आपने जैसा कहा, एक तो देखिए एक हिस्सा है जो उनका विचारधारा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, रजत शर्मा जी, NDTV, रजत शर्मा जी उनका मालिक है, वो आज नहीं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत करीब आदमी है, उन्हीं के साथ है। तो उनका विचारधारा और मोदी जी का विचारधारा एक है, मगर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, उनका मालिक जो है, कंपनी का जो मालिक है, वो कह रहा है कि हमें तो भाई तुम्हें तनख्वाह देना पड़ेगा, हमारा पैसा कहाँ से आएगा, विज्ञापनदाता से आएगा। और आज सबसे बड़ा विज्ञापनदाता कौन है? भारत सरकार। ठीक है, राज्य सरकार भी है, मगर सरकार जब विज्ञापनदाता बन जाता है, वो है, वो ये हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको विज्ञापन चाहिए, आपका जो आपका कर्मचारी है उसको तनख्वाह चाहिए, तो मेरा बात कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए, मेरा खिलाफ सवाल मत उठाइए। आज ऐसा माहौल हो गया, और पत्रकार को कह रहे तुम अपने रसोई में तुम्हारा आग जलेगा, तुम्हारा बेटी का स्कूल का तनख्वाह तुम दोगे, तो ठीक है सरकार का गुणगान करो। बस यही मीडिया का स्थिति हो गया आज के ज़माना में। और एक बात मैंने सुन रहा था कि पिछले ज़माने में न्यूज़पेपर्स जो लोग फ्लोट कर रहे थे उनका न्यूज़ मीडिया पर ही ध्यान था, लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन उन लोगों का भी हो गया है, काफ़ी इंडस्ट्रियल कंपनी। एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे जागरण ग्रुप और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिसके अलग अलग, किसी का माइंस है, किसी का बिजली उत्पादन का कारखाना है, किसी का रियल एस्टेट है, फोर्थ स्टेट बोलते हैं, चौथा खम बोलते हैं लोकतंत्र का, फोर्थ स्टेट में रियल एस्टेट का, फोर्थ स्टेट हैज़ बिकम रियल एस्टेट। तो मेरा कहना यह है कि आज लोक माध्यम का ये जब स्थिति हो गया, तो पूरा ये संस्था जो है
अपना काम भूल गया। एक लोकतंत्र में चौथा जो खम्भ है जो उसका काम क्या है, सवाल उठाना। ऐसा नहीं है कि मानहानि करना, मगर सवाल उठाइए आप, वो आज बंद हो गया। तो इसीलिए एक छोटा सा जो हिस्सा बाकी रह गया वो उसको यूट्यूब के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है, फेसबुक के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और आपको मालूम नहीं है कितना पैसा यूट्यूब बना रहे और आपको कितना मिल रहा है। अगर फेसबुक 100 रुपया बना रहे, आपको 10 रुपया मिल रहा है या 20 रुपया या 30 रुपया, ये कभी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये मोनोपोली है, इसके अलावा कोई है नहीं। सोशल मीडिया मोनोपोली है, डिजिटल मोनोपोली। हाँ जी, एक और एक जो आशंका है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये तो बात है कि सोशल मीडिया भी मिंटिंग मनी लेके नहीं थे, नॉट ऑल कर रहे हैं, और नहीं फेसबुक जो उनका जो उन लोग पैसा कमा रहे हैं, पत्रकार नहीं, नहीं जो पत्रकार का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ओनर्स है, मालिक जो है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। सपोजिंग कल ये मालिकाना यूट्यूब का अदानी के पास चले जाएगा, वो खरीद कर लेगा यूट्यूब को, ऐसा सिचुएशन हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज अडानी कमज़ोर हो गए और इन लोग विश्व का बड़े बड़े संस्था है, ये अमेरिका में है, फेसबुक का जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, उसका उम्र बहुत कम है, आपके उम्र से कम है, मेरे उम्र से कम है, मगर वो पूरा जो संस्था चला रहे, उनका आज खतरा क्या है कि अमरीकी सरकार कानून ले आएगा कि कंपनी को अलग कर दीजिए। क्योंकि हम जब मेटा का बात करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जब हम अल्फाबेट के बात करते हैं, साथ साथ है गूगल, यूट्यूब, और उनके साथ है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कानून ले आया इन्होंने, बोला आपको बताना पड़ेगा, हम लोग आपके लिए कंटेंट तैयार कर ले, हमारा पत्रकार 10 जगह जाता है, हमारा फोटोग्राफर, हमारा ग्राफिक आर्टिस्ट, हम सब करने के बाद आप तो सिर्फ इसका वितरण कर रहे हैं, आप इकट्ठा करके यू आर एग्रीगेटर्स ऑफ कॉन्टेंट, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, मगर जो मुनाफा आप कमा रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक ऑस्ट्रेलिया में एक कानून बदल गया, और वहाँ पे गूगल धमकी दिया था, फेसबुक धमकी दिया, फिर भी उनको मानना पड़ा। बाकी देश में ऐसा जागरूकता नहीं आया है, हमारे देश में हमारे सरकार, हमारा केंद्र सरकार उन्हीं के साथ है, क्योंकि उनका फ़ायदा मिल रहा है, उनको पैसा, फेसबुक मुनाफा कमा रहे हैं। फेसबुक और गूगल के लिए आप जो स्टोरी कर रहे हैं, आप जो खबर दे रहे हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं, ये सच है या झूठ है, ये फेक है या जेन्युइन है, इसमें नफरत भरा सूचना है, आप दिखा रहे, जैसे रवीश कुमार कहते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पूरा युवाओं का शिक्षा मिल रहा है, उसमें क्या लिखा है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है मगर हर आतंकवादी मुसलमान है, तो नफरत भरा जो खबर है ये व्हाट्सएप में इसका वितरण हो रहा है, और ये सब इसका वितरण बहुत, हाँ, बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट और बुलेट सर्कल का, तो इनके लिए, फेसबुक के लिए, मेटा के लिए, गूगल के लिए, अल्फाबेट के लिए, ये सच है या झूठ है इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मुनाफा कमा, केवल बिजनेस, आप सिर्फ वायरल होना चाहिए, यही आज स्थिति हो गया। आपको मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप में जो सूचना आप देते हैं, आप जानते हैं भारतवर्ष में जो दंगा हुआ है, हिंदू मुसलमान दंगा हुआ, जो मॉब लिंचिंग हुआ है, हर ऐसे घटना के पीछे व्हाट्सएप की एक सूचना है, और व्हाट्सएप नहीं बताएंगे आपको कहाँ से शुरू हुआ, ये भारत सरकार भी चाह रहे, सब लोग चाह रहे कि व्हाट्सएप आप बताइए, इसमें आप किसी को हत्या कर रहे हैं, किसी महिला का बलात्कार कर रहे हैं, आप सब सारे वीडियोज़ दिखा रहे हैं, आप अश्लील दिखा रहे हैं, मगर व्हाट्सएप इसको हटा देते हैं, मगर व्हाट्सएप जैसे एक के बाद एक उसको मानना पड़ा कि हमारा जो माध्यम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, मगर जो पैसे देते हैं वही पैसे के लालच में ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो तो
जनहित में काम नहीं करते, अपने हित में काम कर रहे, अपना मुनाफा बनाने के लिए काम कर रहे। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट तो January 24, 2023 में आया है, लेकिन EPW में आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा था शायद January 14, 2017 से, बहुत सारे अप्रैल 2016 से लगातार बहुत सारे आर्टिकल है, तो आखिरी लेख जून 2017 में आया था, जून 14, 2017 में लास्ट आर्टिकल आया था। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं जो हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम पर अभी आया है, क्यों आपको ऐसा लगा उसी टाइम कि जो अदानी नाम में चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है? आज ये सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा, मगर मैं बताना चाहता हूँ आपका दर्शक के लिए। मैं अकेला पत्रकार हूँ, मेरा नाम हिंडनबर्ग रिसर्च में आया है, उसका जो रिपोर्ट आया है 32,000 शब्द का रिपोर्ट है, 88 सवाल उठाया, उसमें 84 सवाल में मेरा नाम है, और पूछा कि आप ऐसे पत्रकार को क्यों इसको गिरफ्तार करने का आप कोशिश किया। उनका जवाब था कि ये हमने कुछ नहीं किया, ये तो जज का काम है, पूरा जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो इसीलिए मैं 2.5 साल चुप था। मैं कहना शुरू कर दीजिए, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ 6 मानहानि का केस अडानी घराना का जो वकील है अलग अलग अदालत में किया, इसमें 5 है गुजरात में, 1 है राजस्थान में। आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW से शुरू कीजिए। जून 2017 में एक लेख आया जो आपका पाठक वायर में पढ़ सकते हैं, इसका जो हेडलाइन है, जो सुर्खियां है, मोदी गवर्नमेंट्स 500 करोड़ बोनांजा टू अडानी, आप पढ़ सकते हैं, आप खुद पीछे पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखा है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पे जो अगर बिजली का कारखाना उत्पादन का कारखाना करेंगे तो इसका जिस तरह से आपने नियम बदला, एक कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिला यह है अडानी पार। एक और हिस्सा था लेख में कि आप भारत सरकार उस समय एक रिफंड एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे, कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क, अडानी बोले हमें 500 करोड़ दे दो, मगर पहले तो आप ड्यूटी दीजिए, उसके बाद आपको वापस आएगा। आप ज़्यादा आयकर दिया तो आप आयकर विभाग को आप एक निवेदन कीजिए, एक रिफंड एप्लीकेशन दीजिए, और आयकर विभाग अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन सही है आपको पैसा मिल जाएगा। अडानी का केस में उन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो उनको बाद में पैसा भी नहीं मिला। तो हमारे पास वकील का चिट्ठी आया, मैंने वकील का चिट्ठी का जवाब दिया। उस समय EPW का जो समीक्षा ट्रस्ट है उन्होंने हमें बुलाया कि हम तो पब्लिशर है, हम तो प्रकाशक है, आप मेरा अनुमति न लेके वकील का चिट्ठी का जवाब दिया और बोला कि ये बहुत बुरा काम आपने किया, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेव इम्प्रोप्राइटी। तो मैंने बोला देखिए मैंने गलती किया, आपका अनुमति नहीं लिया, मगर इट इज़ नॉट अ एक्ट ऑफ ग्रेव इम्प्रॉपर्टी, मैं कोई तकनीकी कारण में गलत काम किया, तो आप मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ओला बोला कि आपने जो EPW जैसे संस्था इसको ख़राब कर दिया, यू हैव डिस्ट्रॉयड द इथॉस ऑफ EPW। EPW ऐसे एक संस्था है जो भारतवर्ष के उम्र के आसपास है, थोड़ा सा कम उम्र है इनकी। फिर बोला कि आप अपने नाम में लेख नहीं लिख सकते हैं, आपके पहले जो संपादक थे EPW का, उन्होंने अपने नाम में ने लेख नहीं छपा, तो आप मत लिखिए। बोला कि आपका सह संपादक हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये भी बोला कि आपका जो लेख है ये लेख तुरंत हटा दीजिए और ये कमरे से मत जाइए जब तक ये नहीं जाएंगे। तो मैंने फ़ोन लगाया और वो निकाल दिया मेरा, उस समय जो हमारे सहकर्मी थे, मैंने बोला आप देखिए एरर 404, मतलब ये नहीं है अभी वेबसाइट में, आप संतुष्ट है? बोला हाँ। तो बोले एक कागज़ दीजिए हमें, एक कोरा कागज़ दीजिए,
मैं अपना इस्तीफा लिख के दिया, बोला तुरंत मेरे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मान लीजिए। उसके बाद लंबा चौड़ा वॉर ऑफ वर्ड्स, वो कुछ कहा, आरोप लगाया, मैं उनका जवाब दिया, मैं सबको बताया ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं आश्चर्य हो गया कि इतने लोग हमें समर्थन किया। इसमें दो नोबल पुरस्कार विजेता थे, अमर्त्या सेन, एंगस डीटन जैसे जाने माने अध्यापक है, नोम चॉम्स्की जैसे पश्चिम बंगाल का पूर्व वित्त मंत्री अशोक मित्र, सब हमें सपोर्ट किया। हमारे बोला कि समीक्षा ट्रस्ट, आप जो EPW चलाता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हमको समर्थन करके उन्होंने मदद किया। फिर हम जल्दी कहानी ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे मानहानि का सिविल केस होता है और क्रिमिनल केस होता है। एक में अपराध जमानत मिलता है, एक में आपको पैसा देना पड़ता है, सिविल क्रिमिनल। तो सिविल केस भुज में वायर, क्योंकि वायर इसको दोबारा पब्लिश किया उनके खिलाफ, और हमारे साथ जो लेख लिखा है सबका नाम में था, वहाँ का मैजिस्ट्रेट बोला इसको हटाना ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका पाठक आज भी आपका दर्शक पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे एक शब्द और एक सेंटेंस हटाने के लिए कह दिया, वो कर दिया। तो फिर 2019 मई महीना में चुनाव ख़त्म हो गया, चुनाव का नतीजा घोषणा होने वाला, बीच में अडानी जी सबके खिलाफ केस वापस ले लिया, मेरे खिलाफ नहीं लिया। अच्छा, अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो जनवरी 2021 में नॉन बेलेबल वारंट, बिना जमानत का गिरफ्तार का आदेश मुंद्रा से फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रदीप सोनी जी, क्या सबसे आश्चर्य बात है, ये हमें मालूम पड़ा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के पास से, उसके बाद मेरा वकील ने बताया। तो उस समय बोला कि आपने कोर्ट में, ये कोरोना के बीच था, पहला लहर दूसरा लहर, जनवरी 2021, तो हमारा वकील साहब ने बोला कि ये कानूनी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में नहीं आ रहे तो पहले आप विथ बेल जमानत के साथ आप वारंट इशू कीजिए, अगर फिर हम नहीं आएंगे तो आप बिना नॉन बेलेबल वारंट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है आप कोर्ट में आइए। मैंने मतलब हम कोर्ट में जाने के लिए तो कभी ना नहीं कहा, तो मैंने हाजिर हुआ, अदालत में हाजिर हुआ। आरोपी हाजिर है? बोला हाँ आरोपी हाजिर है। तो एक बार फरवरी 2021, फिर उसके बाद मार्च 2021, मैंने दो बार किया, मुंद्रा गया, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंद्रा, गुजरात का पश्चिम इलाका में है। हमारा वकील बोला आप केस शुरू कीजिए, ट्रायल शुरू कीजिए, अभी तक कुछ नहीं किया। ये दो केस है, दो है इसमें ये जो एक तो है केस, लेकिन केस का जो प्रोसेस है, जो लोग बार बार आएंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको फिर डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, फिर फैमिली है जो एक इमोशनल ट्रॉमा देकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपका? ये बोलते हैं प्रोसेस इज द पनिशमेंट। देखिए न्यूज़ क्लिक जो पोर्टल के साथ मैंने लिखा, उनके पास ED चला गया, छापा लगाया, आयकर विभाग चला गया, छापा लगाया, तो मेरे को भी बुलाया, बैंक अकाउंट ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, सैकड़ों कागज मांग रहे। और ये है एक प्रोसेस। और जिस समय हमारा खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट आया, तो हमारा वकील साहब बोला घर पे मत रहिए, क्योंकि हवलदार आके आपको हथकड़ी लगा के आपको जेल ले जाएंगे, तो और कहीं रह जाइए। तो इसका एक असर पड़ते हैं हमारा परिवार के ऊपर, उसका मानसिक स्थिति के ऊपर, मेरा बीवी, मेरा बहन, हमारा बेटी, हमारा बेटा, इनका। तो अब कहानी ये है, ये तो सिर्फ दो केस का बात बोला, चार और केस है। मैंने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जिस समय वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश थे, एक लेख न्यूज़ क्लिक में छपा था, उसका सुर्खियाँ है, वो तीन भाग में आया था। सुर्खियाँ क्या है? जस्टिस मिश्रास 8,000 crore पार्टिंग गिफ्ट, वो इन्वर्टेड कॉमा में गिफ्ट यानी कि उपहार ट्वाइट, ये बोला आपने कोर्ट का मर्यादा आम आदमी के सामने कमज़ोर किया। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं जी, मैं कोर्ट का मर्यादा नहीं कम करना चाहता हूँ, मैं
जो भी अदालत कहेंगे हम मानेंगे, मैं कोर्ट का अवमान्य नहीं करूँगा, आई विल नॉट कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर भी मेरा मुंह बंद करके रखा, गैग ऑर्डर। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं जो अडानी ग्रुप के खिलाफ हैं, जो उनको। मगर ये जब हिंडनबर्ग का रिसर्च आया, मेरे को कहना पड़ेगा कि कैसे हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च का जो 32,000 शब्द है, इसमें बहुत एक बड़ा हिस्सा है, हम 6 साल से 7 साल से इनका लेख छप रहे। वहाँ उनका रेफरेंस दिया, उन्होंने रेफरेंस दिया, हमने बहुत सारे कागज़े, कारण दिखाओ नोटिस, अदालत का पेपर, हमारा व्यक्तिगत वेबसाइट है paranjoy.in, उसमें मैंने डाला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग वहीं से इनका मिला, मगर सार्वजनिक किया हम लोग। ये एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, आप बताएंगे आप सहमत है कि मैं, क्या आपका विचार दूसरा कुछ है। इसी देश में कुछ बोलने के लिए ओपनली स्पेस नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा कंस्टेंट आ रहा है, तो जो बोलना चाहते हैं आप जैसे इंसान, मुश्किल होता है और काफ़ी केसेस फाइल होता है। जब कोई बाहर का संस्था करता है जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च, उनके पर स्टेट कोई एक्शन नहीं ले पाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को उन्होंने बोला कि अडानी जी आप अदालत में ले जाइए, न्यूयॉर्क में आके केस कीजिए, हम चाहते हैं हम करें, क्योंकि आप अगर अमेरिका का अदालत में जाएंगे तो हम आपसे और भी कागजें मांग लेंगे, और भी सूचना मांग लेंगे। तो आप आए, तो ये जनवरी 24 तारीख है, आज मैं जून महीना के से बात करूँ, अभी तक नहीं गया, इसका मतलब क्या है? आपका दर्शक, आप खुद समझ लेते हैं। यू कैन थ्रेटन, आप धमकी दे सकते हैं, आप काम करके दिखाइए ना। हमारे देश में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अमेरिका में जाइए ना, वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में भी ये किया। बेन पेनिंग्स करके एक पत्रकार है ऑस्ट्रेलिया में, वो आरोप लगाया कि आप हमारे पीछे कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, हम बच्चे को लेके स्कूल जा रहे हैं, आप अडानी का आदमी हमारे पीछे, तो वो केस किया, अदालत तक गया और वो केस भी जीत गया। तो देखिए, जो अपने आप एक समय विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में 2 नंबर में थे, 3 नंबर में थे, आप अगर कुछ गलत काम नहीं किया तो आप पत्रकार से, ऐसे पत्रकार को आप ऐसे धमकी क्यों देते हैं? यही मेरा सवाल है अडानी जी से कि अडानी जी देखिए, अगर मैं आपके बारे में कुछ गलत लिखा, हाँ जरूर आप कार्रवाई की, ये आपका अधिकार है कोर्ट ले जाने के लिए, मगर अभी तक तो आपने कुछ प्रमाण नहीं किया। आपने 6 केस हमारे खिलाफ किया, अदालत में चल रहे, तो इसका बेसिस क्या है? अगर वो बोल रहे हैं हमने मानहानि किया, ये मान नहीं बोल रहे हैं कि आपने जो बोला झूठ बोला, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोला हमारा मानहानि किया, आप हमें एक तरह से लक्ष्य बना के हमारे खिलाफ लिख रहे। और मेरा कहना है, मैं पत्रकार हूँ, मैं 46 साल मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्यों आपके बारे में? मैंने अंबानी के खिलाफ एक किताब है हमारा, गैस वॉर्स क्रोनी कैपिटलिज्म एंड अंबानी, भारतवर्ष के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना, ये मेरा काम है इन लोग के बारे में लिखना, इन लोग के बारे में सवाल उठाना। अश्विनी वैष्णव किस तरह से वो एक IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक अधिकारी से एक तरह से पूंजीपति बना और वहाँ से आप राजनेता बना, रेलवे मंत्री बना, आप सूचना मंत्री बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना और प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी जिसका अंदर रहता है, ये सब आप बना, कैसा उनका कहानी? तो ऐसा नहीं है मैं कि एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ या एक घराना का टारगेट। मेरा काम ये है कि हम प्रश्न उठाते हैं, हम सबके सामने बोलते हैं, ये है सच, ये है सत्य। अब मैं इनको जब इनको पास हमने, जैसे अश्विनी वैष्णव जी का, इनका नाम में मैंने चिट्ठी दिया कि आपके है 1, 2, 3, 4, 20 सवाल मैंने उठाया, 25 सवाल उठाया, त्रिवेणी सब नाम है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अभी भी आपका अधिकार है जवाब देने का। अगर मैं कुछ गलत लिखा तो आप जलिए। तो इसका मतलब है कि प्रणंजय जी
इंडिया का हिंडनबर्ग रिसर्च हो? नहीं जी, ऐसा नहीं। हम तो काम हिंडनबर्ग, नहीं जी, देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च के पास पैसा है, वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो शेयर बाजार में जुआरी है, वो खेलते हैं, जब शेयर का कीमत नीचे गिर गया वो पैसा कमाया, हमें तो एक पैसा नहीं मिला। हिंडनबर्ग रिसर्च कितना करोड़ों पैसा रुपया बनाया, डॉलर में अरबों डॉलर शायद बनाया होगा, हमें तो एक पैसा भी नहीं दिया। एक मिनट तो नहीं दिया, क्योंकि वो उनका काम है, शेयर बाजार में खिलाड़ी है वो जुआरी है। मैं तो पत्रकार हूँ जी, मैं लेखक हूँ, मैं प्रकाशक हूँ। तो आपका मतलब ये भी कहना, और ये हिंडनबर्ग के पास पैसा था तो इसीलिए वो अलग अलग छोटे छोटे द्वीप है जो हम कहते हैं टैक्स हेवन्स, वहाँ जाके उन्होंने सूचना इकट्ठा किया। मॉरिशस बोलिए, साइप्रस बोलिए, केमन आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारे टैक्स ज्यूरिसडिक्शन हैं जहाँ पे जाके। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे उनका रिपोर्ट मेरा और मेरा जो सहयोगी है, हम जो एक ग्रुप, हम लोग एक साथ काम करते हैं, हमारी सूचना को पढ़ने और भी सूचना शायद आ जाएगा। उनका भी समर्थ, उनके पास पैसा था, उनके पास संसाधन था, वो अलग अलग जगह। मेरा एक दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, लोग जो बोलते हैं कि हिंडनबर्ग एक मोटिवेटेड कैंपेन किया है अदानी के खिलाफ, वो खुद कह रहे हैं हमने किया मोटिवेटेड। हाँ, वो लिखा है, आप रिपोर्ट पीजिए कि हम जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम ये कंपनी का शेयर जब डूब जाएगा हम पैसा कमाएंगे। आज इसका कीमत है, डोंट यू थिंक इट विल बी क्रेडिबिलिटी लॉस फॉर हिंडनबर्ग रिसर्च? तो आप अदालत में ले जाइए ना, वो खुद कह रहे हैं कि आज आपका शेयर है 1,000 रुपया, ठीक है, तो मैं किसी को बेच दिया 1,000 रुपया में, तो वो शेयर कल 200 रुपया हो गया या 300 रुपया हो गया, तो उसका फायदा मैंने उठाया। एक तरह से खिलाड़ी है, खुद कह रहे। तो अगर हिंडनबर्ग कुछ गैर कानूनी काम किया तो आप ले जाइए ना, कोर्ट ले जाइए। हिंडनबर्ग कह रहे हैं कि ये मेरा काम है। तो हमारे देश का जो 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 अलग अलग संस्था है, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो अडानी ने कुछ गलत काम किया कि नहीं, ये तो इससे ज़्यादा बोल रही है हिंडनबर्ग आपने गलत काम किया। बोलता है ना कहानी, शूट द मैसेंजर, वही है, आप सूत्रधार है, आप सूचना दे रहे हैं लोगों को, आपको पसंद नहीं है हमारा जो सूचना आपको दे रहे, तो हम आप मेरे ऊपर गोली चला दी। देखिए, अभी आपने लिखा है, आपने किताब भी लिखा है और हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट भी आया है, राहुल गांधी ने लोकसभा में भी काफ़ी विस्तार से बताया है क्या क्या अदानी ने किया है, कैसा मदद मोदी ने उनको किया है, उसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि भारत का जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसके पर अदानी का जो ये ब्लैक डील्स, उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी को समझना पड़ेगा आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अगर आपको बिजली के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्यों देने पड़ रहा है आपको? आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो सेवा के लिए आप कुछ पैसा दे रहे हैं, आपको ज़्यादा देना पड़ता है, क्यों देना पड़ रहा है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ऐसा भी है, हमारे देश का जो विरोधी दल है उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा जो पूंजीपति जैसे अडानी, ये पूरा अर्थव्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें उसका बड़ा भूमिका है। समुद्र का बंदर, जैसे आपका उड़ीसा में धामरा पोर्ट, हवाई अड्डा, बिजली उत्पादन करने का, कोयला आयात करने का, ऑक्साइड माइंस पर आ गया, और सूर्य का किरण से, जो आप सूरज का किरण से आपने बिजली उत्पादन करते हैं, हर शहर में जो गैस वितरण करते हैं, जो सेब खाते हैं, जो तेल में आपका खाना बनाते हैं, सब में तो अडानी का हाथ है। आपका सड़क बोलिए, रियल इस्टेट बोलिए, आपका सेना, नौसेना, आपका स्थल सेना, आपका वायु सेना का जो अलग अलग चीज़, जैसे ड्रोन्स और जैसे जैसे हथियार, ये सब में तो अडानी। तो मेरा कहना ये है, ये क्रोनी पूंजीवाद से हम लोग आगे बढ़ गए, क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे बढ़ गया। सरकार
और पूंजीपति के बीच क्या फर्क है? मैंने नहीं कहा, उसको तो आप मानहानि नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विधानसभा में कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोला कि ये पैसा अडानी का पैसा नहीं है, ये मोदी जी का पैसा है, ये कंपनी अडानी जी का नहीं है, ये मोदी जी का कंपनी। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, उनको तो आप मानहानि का मुकदमा में नहीं फंसा सकते। आपने सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठन किया, वो समिति का रिपोर्ट भी आ गया। समिति बता रहे कि सेबी आप अपना नियम कैसे बदल दिया, रिलेटेड पार्टी कहने, आप एक पब्लिक कंपनी चला रहे, आपका शेयर पब्लिक के सामने है, तो आप आपका भाई के साथ जब आपका कोई कारोबार करेंगे तो लोगों को बताइए, तो रिलेटेड पार्टी कौन है, एक कंपनी का असली मालिक कौन है, बेनिफिशियल ओनर क्या है, एक मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25%। तो ये सारे नियम का कुछ उल्लंघन हुआ कि नहीं, ये सेबी का काम है, मेरा काम नहीं है। महुआ मित्र जो लोकसभा सांसद है, आज नहीं 1.5 साल पहले चिट्ठी लिखा सेबी को, कार्रवाई कीजिए। तो मेरा कहना ये है, पत्रकार का काम कुछ है, अगर पत्रकार को सेबी का काम, जो नियंत्रण करते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक का काम है, करना पड़ रहा है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेबी आप अपना काम कीजिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आप अपना काम कीजिए। देखिए प्रणजय दा, ज़्यादा लोग तो जानते भी नहीं है सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, जो कॉमन मैन जो वोटर है, आप उनको समझाइए। आपका माध्यम से, आप समदृष्टि का और आपका चैनल का माध्यम से उसको सरल भाषा में समझा दीजिए। नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछ रहा हूँ, ये जो स्थिति चल रहा है हर जगह में, अभी अदानी ही अदानी दिखाई जाता है उड़ीसा में, एक समय था, अब थोड़ा कमजोर हो गया। उड़ीसा में तो ये अदानी गवर्नमेंट बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने कुछ नहीं, आप नवीन बाबू ये सवाल मेरे खिलाफ हो गए, आप नवीन जी को नवीन पटनायक जी से बात कीजिए। तो अब बताइए, 2024 के बाद ये स्थिति और सुदृढ़ होगा या खत्म हो जाएगा? और ये सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है सर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल काम है। क्या आप अनुमान कर रहे हैं? अरे कहना मुश्किल है जी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, 8 महीना का बाद क्या होगा, जब आम चुनाव आगा क्या होगा, ये सारे सर ये तो ज्योतिषी का काम है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो ये सवाल का जवाब ये हमारे पास नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ, 2024 में केंद्र में कुछ चेंजेस होगा और बीजेपी पावर को नहीं आएगा, एक टेंटेटिव सिचुएशन में बता रहा हूँ। इसमें ये जो अदानी को लेके जो कॉरपोरेट मोनोपोली चल रहा है कुछ लोगों का, गवर्नमेंट को दखल करके रखा है, ये स्थिति क्या नया गवर्नमेंट में भी बन सकता है? कोई भी होगा नया गवर्नमेंट, हमें पता नहीं। सर वही जवाब आपका, आपने जो जवाब कर रहे हैं वही एक ही सवाल है मेरा। सुधीर जी, हमारे पास आपका सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी से एक सवाल उठाया था एक पत्रकार ने कि राहुल गांधी जी, आप हर रोज़ अडानी के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, मगर आपका मुख्यमंत्री, आप ही का पार्टी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं, एक ही मंच में बैठे हैं, अडानी जी के साथ बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि एक बार पूंजीपति आके अगर आपको कहेंगे कि आपका राज्य में मैं 65,000 करोड़ निवेश करूंगा और 65,000 करोड़ हम आपके राज्य में खर्च करेंगे, आपके युवाओं को जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो आप उनको ना कह देंगे? यही सवाल था राहुल गांधी का। तो देखिए, आज अडानी घराना और अडानी गौतम अडानी जी, ऐसा लोगों का ताकत उनका संपत्ति से आता है, उनका पैसे का बल से आता है, और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस रफ्तार से गौतम अडानी जी का संपत्ति, उनका कारोबार बढ़ा, इसके साथ
पहले मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री थे, तब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, और आप देखेंगे उसका भी जो जो जिस रफ्तार से उन्होंने बना, इसमें मोदी जी का साथ भी एक संपर्क है। 2014 का आम चुनाव में जब चुनाव प्रचार के लिए पूरा भारतवर्ष घुमा था, वो अडानी का हवाई जहाज में मोदी जी घूमा, तो बाद में क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसे ही रहेगा देश में, ये भी कहना मुश्किल है। सब राजनीति कहाँ हमें ले जाएंगे, और राजनीति के साथ हमारे देश का अर्थनीति और अर्थव्यवस्था एक साथ है, क्या होगा भविष्य में कहना मुश्किल है। देखिए, हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। पीपल हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू नो, उसको समझ में आना चाहिए कि ये है आज भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था, और क्यों ये अर्थव्यवस्था आज जहाँ है, आज क्यों ऐसे देश में हम रह रहे जहाँ रोज़गार का समस्या है, जो महंगाई का बहुत बड़ा समस्या है, जो अमीर और गरीब के बीच में जो एक दुराई है, जो असमानता है, क्यों बढ़ रहा है। ये सवाल आम आदमी के उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा आम वोटर, हम आम नागरिक क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, इंडिया पाकिस्तान करेंगे। ये सारे सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है, और समय बताएंगे कहाँ तक हम पहुँचेंगे। परंजयदा बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मन तो सुनिले परंजयदा सब विस्तार रूपे कहले, शेष कथी जहासी कहले कौटा आमप असल प्रसंग ताकू आम बुझा दरकार। आम पाखे बेरोजगारी अच्छी, आम पाखे खाईपाई पर्याप्त खाद्य रोनी, आम पाखे क्षुधा रोचे, स्वास्थ्य समस्या रोचे, सब प्रकार असुविधा भितर थी कि आम भितर हिंदू मुसलिम कथी मूल हो जाऊँगी। आम जो एत बड़ पुंजीर साम्राज्य चली सब लाभ लुट करमर संपद को, आम प्राकृतिक संसाधन को, से कथा आम मन भितर को आसुना। आम केवल जो गणमाध्यम जोटा को प्रणंजय जी कहते जो मानक नियंत्रण में गणमाध्यम रोचे, से मियंत्रण में रोकवा जो से जिनस गुड़ाक सब आपण मानकर बेडरूम जाए शोवा घर जाए आसपार नहीं, आम तापर टे चिंता करवा निरकार। आपण मान समस्त तरफ प्रणीन दा को बहुत बहुत धन्यवाद।